इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा जा चुका है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर रखा है। लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक ने 19 फरवरी को श्रीनगर के बघाट इलाके में एक पुलिसकर्मी की गोली मार करके हत्या कर दी थी, उनको शहीद कर दिया था। उमर मुश्ताक जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में से एक है। पंपोर के दरांगबल इलाके में ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। इस एनकाउंटर के खत्म होने में इसलिए देर हो रही है क्योंकि बिल्डिंग काफी बड़ी है जिसमें ये आतंकी छिपे हैं। खबर है कि एक आतंकी अब तक ढेर किया जा चुका है। कॉर्डन डाल दिया, कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया, फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें MGL लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ निकाल हटा रहे हैं हम लोग, अभी भी अंदर से फायर आया है, ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? दो टेररिस्ट हैं जिसमें एक उमर खांडे जो है जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था बागात में जो हमारे दो पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, LET का जो कमांडर है उमर मुश्ताक खांडे पंपोर कहीं है, वो भी इन्वॉल्व उसमें है। तो अभी आपको लगता है द सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल सर? टोटल एनकाउंटर्स की तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ यहाँ से मिल रही है? बिल्कुल, अभी तक मैं 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 एनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 CT का भी है, 2 भी फंसा, फिर थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।